ग्राम पंचायत रामहेपुर एंड की मिडिल स्कूल एवं प्राथमिक पाठशाला में मध्याह्न भोजन पर की जा रही है बड़ी लापरवाही। मुंगेली जिले के लोरमी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत रामहेपुर एंड मिडिल स्कूल एवं प्राथमिक पाठशाला का है पूरा मामला, जहां पर बच्चों को उपस्थित संख्या से कम मात्रा में चावल पकाकर एवं दाल कम मात्रा में गुणवत्ताहीन बनाकर बच्चों को परोसा जाता है एवं एक पापड़ से 7 टुकड़े में तोड़कर बच्चों को दिया जाता है, जिसकी शिकायत कई बार मिडिल स्कूल के शिक्षकों के द्वारा संकुल मीटिंग में जानकारी दिया गया एवं समूह संचालक को भी इस संबंध में शिकायत किया गया। बता दें कि मिडिल स्कूल एवं प्राथमिक पाठशाला मध्याह्न भोजन के समूह संचालक माँ बेटी है आदि शक्ति महिला स्व सहायता समूह प्राथमिक शाला की सचिव माँ है एवं वहीं पर संचालित मिडिल स्कूल मध्याह्न भोजन जय माँ काली सहायता समूह की सचिव बेटी है। वहीं मुंगेली जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर ने मीडिया से चर्चा कर जानकारी दी कि मेरे संज्ञान में अभी यह मामला आया है, मैं कलेक्टर से बात कर तत्काल कार्रवाई करने की बात कही। बीओ दिलीप राजपूत के द्वारा मीडिया को बताया गया कि इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है, मीडिया के माध्यम से मिला है तो तुरंत जांच कर समूह के ऊपर कार्रवाई करते हुए बर्खास्त करने की बात की गई है। 67 खाना के पूरा बच्चे के लिए 67 बच्चे के लिए कितना किलो बना सर चावल? 10 किलो और दाल? दाल 2 किलो बनना जी सर, बाकी दिया गया 1 किलो। तो दाल कम है क्या? ज़्यादा कम है सर, मात्रा में क्वांटिटी में कम है। तो कम दिया कहाँ से गया है सर दाल को? दाल समूह वाले से दिया गया सर, समूह वाले दिए हैं जी सर। पता चला है कि एक पापड़ को जो 7-8 बच्चे को बांटा जाता है करके? नहीं ऐसा तो रोज नहीं है सर, कभी कोई से हो जाता है, लेकिन जरूर 4-5 टुकड़े कर दिया जाते हैं पापड़ को, एक पापड़ को। तो गुणवत्ता इनके बारे में हमने कई बार लिखा है सर, शाला विकास मीटिंग में भी इस बात को रखते हैं और जो हमारे समन्वयक महोदय हैं उनके द्वारा भी बोला गया है कि क्वान्टिटी को बढ़ाओ मेनू के हिसाब से, उनको कई बार हिदायत दिया गया है सर। बिल्कुल सर, सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए जी। मेरा नाम प्रभु राम साहू, प्रधान प्रहक। लोरमी से लक्ष्मी दिवाकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।